तो क्या है मेरे प्यारे भाई। तो भाई लोग देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे अभी तक बंदे वेट कर रहे हैं और नया सीज़न आने का। तो मेरी जान, नया सीज़न आने ही वाला है, तो जल्दी से तैयारी कर लो। एंड मैं तो ये चाहता हूँ ना कि जिन बंदों का कॉन्करर नहीं हुआ है ना भाई, ये वाला इवेंट ना अच्छी तरह खेल रहा हो। मुझे पता है गेम पर मिल रहा है, मेरे को सब पता है, मैं लाइव भी करता रहता हूँ, तो मुझे इतने ज़्यादा गेम पर मिलते हैं और आप लोग भी देख ही सकते हो। क्योंकि जिस बंदे को नहीं पता है मैं लाइव करता हूँ, तो मैं आप लोग बता दूँ कि मैं रात में 10 बजे लाइव करता हूँ अपने दूसरे चैनल पर, जो कि आप सर्च करोगे ना जैक ओपी नाम से सर्च करो कि मेरा चैनल आ जाएगा। एंड मैं उस पर 10 बजे लाइव करता हूँ और तुम यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं गेम प्ले के ऊपर। देखो, मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग इस इवेंट को इतना खेलो इतना खेलो कि आपको इवेंट बेशक बेकार है, पर कुछ ना कुछ तो चीज़ तुमको समझ में आएगी। देखो, जब तक हम इवेंट को खेलेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो भाई पूरा इवेंट खेल लो एंड समझ लो इसको, एक एक कोना समझ लो। मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि इसे टट्टी इवेंट मेरे को देखा नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ एक एक कोना देख लो। ठीक है, अब आते हैं गेम प्ले के ऊपर। तुमको पता होगा मैं जितने गेम खेल रहा हूँ उसमें से हम 5-6 गेम खेल रहा हूँ, तो 2-3 गेम में मेरा गेम क्रैश हो ही रहा है। अब मुझे नहीं पता है बीजीएमआई का ग्लिच है या अपना अपडेट का प्रॉब्लम है। तो मैं सीन देखो, मैं सामने जो जिन होता है, तो मैं सोचता हूँ ना इसको पोर्टल ऑन करके स्मोक करके इसको ऑन किया जाएगा एंड यहाँ से अपना स्पॉन गार्ड बैटल निकाल के यहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे मैं वापस जाता हूँ, वापस जाने के बाद ना मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर भाई जल्दी से वो लूट जाते, उसके बाद लूट लेके मैं यहाँ से निकलूँ। सामने मेरे को ना एक बंदा स्पॉट होता है और फिर कुछ ऐसा होता है, मतलब गेम क्रैश तुम देख ही सकते हो भाई, मेरा बहुत बार हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इवेंट पे मैं रह जाता हूँ, मतलब मुझे नीचे नहीं फेंकते हैं, तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए यही होती है। काफ़ी देर वेट करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पर लूट तो गिर चुके हैं, तो जल्दी से पोर्टल को ऑन करता हूँ और पहले यहाँ पर ना रिस्पॉन कार्ड निकालूंगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन कार्ड मिलता है तो ये बंदा एक मेरे को डैमेज भी देता है। अब डैमेज तो दे देता है, पर यहाँ पर तुम देखो मेरे पे सिर्फ एक ही किल था, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे लीव कर देता हूँ। लीव करने के बाद, क्योंकि तुमको पता है कि इवेंट पे हर बंदा कैंपर के बैठा रहता है, तो इतना अब उनसे पंगा तो नहीं लेना है कैंपर लोग से। तो यहाँ पर मैं लीव जैसे ही करता हूँ और जैसे ही घर के पास जम करता हूँ ना, मेरे को सामने से एक बंदे का फुट आ जाता है। अब यहाँ पर मैं इस बंदे को मारने के बाद ना, तो यहाँ पीछे से भी एक बंदा आ जाता है जो कि पता नहीं कहाँ से आया। मेरे को लगा एक पल को बॉट है, पर यहाँ पर ये रियल में बंदा ही होता है। और यहाँ पर इस बंदे को भी इजी मार देते। अब यहाँ पर भाई भाई को मारने के बाद ना, मैं सोचता हूँ यहाँ पर इसको अपने कारपेट को कालीन भैया को यूज़ करता हूँ एंड यूज़ करने के बाद ना, जो सामने तुमको दिख रहा होगा बोट इसके ऊपर जाएगा। पर जैसे मैं गर्गर के साइड पे आता हूँ, ये बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ मुझे लग ही रहता कोई ना कोई बंदा इधर होगा, पर जो होता है ना पहले वो देखो। अब यहाँ पर आने के बाद ना, यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता है, तो मैं देखता हूँ कि यार नीचे गन साउंड, जो बंदे फायरिंग कर रहे हैं ना, वो जस्ट बोट के नीचे थे, मतलब नीचे फाइट हो रही है। तो मैं सोचता हूँ जल्दी से नीचे चलता हूँ, तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे कोई है तो नहीं है। अब यहाँ पर चेक बैक करने के बाद मैं तुरंत यहाँ पर नीचे जंप करता हूँ और मेरे को ना नीचे एक बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि घास में लेटा था। अब यहाँ पर इस भाई को मारने के बाद ना, यहाँ पे एक और बंदा उतरता जो कि जस्ट मेरे सामने था। अब यहाँ पर भाई जंप करने लगता है, तो मैं यहाँ पर समझ भी गया था यहाँ पर अपने भाई मीटअप वाला बंदा है। यहाँ से अपने भाई से बात बात करते हैं। हेलो जैक भाई कैसा हो? इवेंट पे? हाँ हाँ मैं ही था ऊपर। हाँ हाँ मैं ही था, मैं ही। अच्छा कोई नहीं भाई, लोग से बात बात करने के बाद में भाई को मैं बोलता हूँ लास्ट में मिलते हैं, ठीक है? अगर जिंदा रहेंगे तो पक्का यहाँ पर मिलेंगे। तो बग्गी ले जाने के बाद मैं तुरंत यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पे रिस्पॉन कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर किल भी निकालने ही है। तो जैसे मैं बग्गी लेके यहाँ से निकल रहा था, मेरे को पीछे से कोप दिखती है, तो मुझे लगा बंदा मेरे से फाइट लेगा, बंदा यहाँ से फाइट नहीं लेता है। अब वो बंदा आया था भाई उड़ने के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए, तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पर सोचता हूँ भाई पोर्टल को ऑन करूँ एंड स्कूल की बिल्डिंग पर ऊपर निकलूँगा।
पर भाई ये पोर्टल पता नहीं क्या है यार, कभी कभी यूज होता है तो कभी कभी यूज इतनी जल्दी नहीं होता, तो इसका इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। सामने बंदा था जिसने पोर्टल को ऑन कर लिया था, मैं यहाँ पर समझ गया था बंदा क्या सीन करने वाला। जल्दी से मैं यहाँ पर नेट खींचता हूँ। और भाई के साथ जो हुआ ना वो दिल से बुरा लगा। कोई बात नहीं भाई, ये चीजें तो होती रहती हैं। अब इस भाई को मारने के बाद तो अभी यहाँ पर रुको, एक बंदे के साथ ना स्टिल बुरा होने वाला। अच्छा बुरा क्या होने वाला था पर तुम यहाँ पे देखते जाना। मैं यहाँ पर जा रहा था अपार्टमेंट पे, मुझे लग ही रहा ना कोई ना कोई बंदा उधर हो सकता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपार्टमेंट पे निकला, मेरे यहाँ पर निकलना हुआ उस बंदा का भाई यहाँ पर आना हुआ। और यहाँ पर टाइमिंग तो भाई एकदम नंबर वन थी, क्योंकि मेरी बग्घी से वो बंदा फोकट में यहाँ पर कुचल चुका था। अब यहाँ पर तुम कह सकते हो भाई इसकी किस्मत सबसे ज़्यादा इसकी बुरी थी। अब इस भाई को मारने के बाद जैसे मैं यहाँ पर कोचिंगी की साइड पर आता हूँ, तो मेरा रिस्पॉन कार्ड था वो कुछ ही टाइम का बचा हुआ था। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ मेरे पे अच्छे खासे टोकन है, तो क्यों ना यहाँ पर फ्लेयर को मंगा लूँ, या लास्ट में यहाँ पर बीआरडीएम से सर्वाइव कर लेंगे। तो मैं शॉप पे आता हूँ, बीआरडीएम मतलब फ्लेयर लेता हूँ, और फ्लेयर लेने के बाद बग्घी ले जाके पोचंकी के एंड में जाके रोकूंगा, क्योंकि सर्कल तो यहीं पर रहता। अगर पोचंकी में सर्कल मिला तो मैं पोचंकी में होल्ड कर लूँगा, वरना यहाँ पर अगर पोचंकी से बाहर जाता है ना तो यहाँ पर मैं अपने फ्लेयर चला के बीआरडीएम भी मंगा सकता हूँ। काफ़ी यहाँ पर होल्ड करने के बाद ना तभी मैं देखता हूँ कि एक बंदा ना मेरे पे पुश कर देता है। अब यहाँ पर इस भाई को मारने के बाद ना मैं तुरंत यहाँ पर सोचता हूँ भाई फ्लेयर चलाते हैं, अपना बीआरडीएम का वेट करते हैं। फ्लेयर चलाने के बाद ना जैसे मेरे बीआरडीएम आते हैं, देखो तो मैं उसको दिखा भी देता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यार, कहीं 12-13 मिनट की, तो इतना मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेयर को चला तो देता हूँ और मेरी बीआरडीएम इधर आ जाती है। अब जैसे मैं ऊपर की साइड निकलता हूँ ना, मेरे को ऊपर एक बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि अपने गिल्ली भैया थे। तो मैं सोचता हूँ छोड़ो नेट वेट से सीधे इस बंदे को कुचलने का ट्राई करते हैं पहले। और जैसे ट्राई करा ना तो मुझे नहीं लगा था कि बंदा इतना इजी मर जाएगा मेरे बीआरडीएम से। अब इस भाई को मारने के बाद ना तभी देखता हूँ कि इस मतलब देखो जो घर पर बंदे रहेंगे अगर तुम उनके सामने बीआरडीएम रखोगे तो भाई पक्का फोड़ेंगे भाई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार कि कोई बंदा मतलब बीआरडीएम से सर्वाइव करे और लास्ट में ओपन सर्कल बन जाए, क्योंकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो मेरे ख्याल से तुम अगर बीआरडीएम रखना चाहते हो ना तो लास्ट तक करो सेफ, और घर से काफ़ी दूर रखा करो। अब यहाँ पर मैं सेफ था तो मेरे ओपन में मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है जो कि मेरे को कन्फर्म था कि वहाँ पर लेटा हुआ है, तो इस बंदे को अपन ना ईजी कुचल सकते हैं। अब तुम देखना यहाँ पर जो सीन होने वाला है, मतलब मेरे साथ तो नहीं कह सकते, उस बंदे के साथ कह सकते हो। जैसे मैं बीआरडीएम लेके निकला, जस्ट तुम मेरे लेफ्ट में एक बंदा लेटा हुआ था, मैं जब आता हुआ मेरे को बंदा स्पॉट नहीं हुआ था, जैसे मैं आगे निकला ना मेरे को बंदा इजी स्पॉट हो चुका था। अब जैसे ही मैं आपस पे नॉर्मल भी नेड कर सकता था, पर अपन को भाई कहाँ यार नचनिया जो बनाना है। अब इस बंदे को मारने के बाद ना अपन यहाँ पर ना अपन बीआरडीएम से सर्वाइव करने लगता है काफ़ी देर तक। अब तुम यहाँ पर मेरे को बताना कि ये बंदे दोनों आपस में फाइट कर रहे थे, ये बंदे दोनों टीम अप वाले बंदे थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से काफ़ी देर होल्ड करने के बाद आगे निकलता हूँ ना, मेरे को एक ओपन में बंदा स्पॉट होता है। तो पहले तो मुझे एक ही ओपन में बंदा स्पॉट हुआ था, तो मैं सोचता हूँ चलो इस बंदे को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि सर्कल आगे था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ और ये लोग मेरे बीआरडीएम को फोड़ने लगते हैं। एक राइट में बंदा था एंड एक लेफ्ट में बंदा था। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही इस बंदे को मारता हूँ ना, तभी सामने से एक और बंदा मेरे को पुश करता है। मतलब तुम कह सकते हो टीमा वाले हैं बंदे, क्या मुझे नहीं पता, आप थोड़ा कमेंट नहीं बताना, क्योंकि तब से ये बंदे फाइट नहीं कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पर आया ना तो ये दोनों बंदे मेरे पर पुश करने लगते हैं। अब इन दोनों बंदों को मारने के बाद एक लास्ट वाला बंदा बचता है जो कि जस्ट मेरे सामने था, मतलब एक बंदा मर जाता है एक लास्ट बंदा था। तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ मतलब अपने पेड़ पे, इस सामने वाले पेड़ पे, क्योंकि सर्कल था। काफ़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद मेरे को लगा ये बंदा मेरे पर पुश करेगा, तो इसको आना ही पड़ेगा भाई सर्कल में। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या होती है ना कि मुझे बंदे की प्रॉपर लोकेशन बताते हैं कि ये बंदा एग्जैक्ट है कहाँ पे। तो काफ़ी देर वेट करता हूँ उस बंदे का एंड बूस्ट करता हूँ, और मुझे जब मालूम पड़ा ना ये बंदा निकलेगा तो हार्ड स्कोप खोल के मैं यहाँ पर बंदे पर बैठ जाता हूँ।
और यहाँ पर इस बंदे को इजी किल करते थे। एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस। चल दो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नया वाला सीजन भी आने वाला है तो फिर तो भाई तुमको पता होगा मजा से मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नए सीजन में, उससे पहले और वीडियो अपलोड करूंगा वो भी देखते रहना।